नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2021 होंडा अमेज फेसलिफ्ट और डिज़ायर फेसलिफ्ट के बारे में, और आप सबसे शेयर करेंगे पांच ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से आपकी जो कन्फ्यूज़न है इन दोनों गाड़ियों को लेकर वो दूर होने वाली है। तो अगर आप भी इन दोनों गाड़ियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी खरीदने में आपको ज़्यादा फायदा है या फिर कौन सी गाड़ी को खरीदना एक सही चुनाव है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में फीचर वाइज कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं दोनों गाड़ियों के बीच में। आप सबसे शेयर करेंगे पांच ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अगर आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं तो आपके लिए ये दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी को चुनना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के बारे में जो कि है डिज़ाइन। तो यहाँ बात करें हम होंडा अमेज की, होंडा अमेज फेसलिफ्ट 2021 की, तो होंडा अमेज का जो फ्रंट डिज़ाइन है और जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसमें काफ़ी सुधार करने की कोशिश की गई है। पहले से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है देखने में अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि जो फ्रंट है गाड़ी का उसको काफ़ी चेंज कर दिया गया है। फ्रंट में हमें जो हेडलाइट्स है उसमें आप प्रोजेक्टर्स देखने को मिलते हैं और टॉप एंड वेरियंट्स में, और इसके अलावा अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ग्रिल को मॉडिफाई किया गया है जिससे पहले की तरह इन लाइन हेडलाइट्स के साथ जो उसका कम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जच रहा है इस गाड़ी पे। और वहीं नीचे की तरफ बात करें तो नीचे हमें फोग लैंप्स पे क्रोम देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो इसका फ्रंट फेशिया है, फ्रंट डिज़ाइन है इस गाड़ी का, वो काफ़ी बेहतरीन लगने लग गया पहले से। और वहीं हम बात करें रियर की, तो रियर में इस गाड़ी में हमें LED टेल लाइट्स देखने को मिलती है जो कि सी टाइप एक शेप बनाती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है, पहले भी अच्छी थी हालांकि अब और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है ये गाड़ी डिज़ाइन में। और देखने में अगर कहें तो ये गाड़ी एक ऐसा नहीं लगता कि सब फॉर्मेटर सेडान है, ये गाड़ी देखने में एक कम्प्लीट सेडान लगती है और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को पसंद भी आई है ये गाड़ी। तो यहाँ डिज़ाइन के मामले में होंडा अमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहीं अगर हम बात करें, वहीं डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर का डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके फेसलिफ्ट में बम्पर को काफ़ी पहले से बेटर डिज़ाइन किया गया है, पहले से इम्प्रूव लगती है गाड़ी, हालांकि ओवरऑल गाड़ी की शेप और डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है। तो ओवरऑल जो डिज़ायर का भी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। और हालांकि ये गाड़ी देखने में उतनी कंप्लीट सेडान नहीं लगती जितनी कि अमेज लगती है। तो ओवरऑल दोनों गाड़ियों का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि डिज़ायर जो है वो ज़्यादा सुंदर है या फिर अमेज जो है वो ज़्यादा सुंदर है, ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस पे। इसलिए हम यहाँ पे जो है किसी भी गाड़ी को डिज़ाइन के मामले में विनर घोषित नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है। हालांकि फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गाड़ी जो चीज़ देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। तो आपको कौन सी पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उन लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो सके जो कि इन दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमें लगभग सिमिलर पावर देखने को मिल जाती है, दोनों ही गाड़ियों में हमें लगभग सिमिलर टॉर्क देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ बात करें माइलेज की तो डिज़ायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है होंडा अमेज के कंपैरिजन में। होंडा अमेज में हमें जो माइलेज देखने को मिलती है पेट्रोल वेरियंट में वो 19 KMPL के आसपास देखने को मिलती है। वहीं डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर फेसलिफ्ट में हमें जो माइलेज देखने को मिलती है वो है 23.5 KMPL के आसपास। तो यहाँ सीधा सीधा जो है डिज़ायर विनर है, डिज़ायर में हमें लगभग 4.5 KMPL की माइलेज जो है वो ज़्यादा मिलती है। और वहीं डीजल इंजन ऑप्शन की बात करें तो डिज़ायर में हमें डीजल इंजन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ जो माइलेज के कंपैरिजन में अगर हम विनर की बात करें, अगर आप पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो माइलेज में जो सीधा सीधा विनर है वो है डिज़ायर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात कर लेते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि आपके पूरे के पूरे डिसीजन को बदल सकता है। तो यहाँ बात करते हैं हम सेफ्टी की। तो दोस्तों होंडा अमेज का जो सेफ्टी क्रैश टेस्ट है वो हो चुका है, होंडा अमेज को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है मिल चुकी है। तो अगर हम बात करें सेफ्टी के मामले में तो होंडा अमेज जो है वो डिज़ायर के कंपैरिजन में काफ़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि डिज़ायर की अगर हम बात करें तो डिज़ायर जो है मारुति सुजुकी के हर्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी है। और जहाँ तक आपको याद होगा कि जो डिज़ायर का जो ये हर्टेक प्लेटफॉर्म है उसका जो फीडबैक है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है अगर हम पास्ट को देखें।
तो अगर नॉर्मल डेली रूटीन में जो क्रैशेज हुए हैं, लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें जो इसका जो रिस्पॉन्स है इस प्लेटफॉर्म का, इस बिल्ड क्वालिटी का, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। वहीं अगर हम स्विफ्ट को भी देखें तो स्विफ्ट का भी जो क्रैश टेस्ट हो चुका है और स्विफ्ट को केवल 2 ही सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, और ये भी कहा गया है कि इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अनस्टेबल है। और वहीं अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर और स्विफ्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें बलिनो की, तो बलिनो को भी लगभग 3 स्टार ही मिल चुके हैं। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मारुति सुजुकी डिज़ायर है उसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो 2 या 3 के बीच में ही होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ सेफ्टी के मामले में डायरेक्ट जो होंडा अमेज है वो काफ़ी आगे निकल जाती है मारुति सुजुकी डिज़ायर से। चलिए बात कर लेते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, दोनों ही जो गाड़ियां हैं वो सब 4 मीटर सिडान्स हैं, और जिन लोगों का बजट जो है 7-8 लाख के आसपास होता है ज़्यादा, वही लोग जो है इन गाड़ियों को खरीदते हैं। अदरवाइज़ लोग जो है एक कंप्लीट सिडान को खरीदते हैं। तो ज़्यादातर जो गाड़ियों के बिकने वाले जो वेरिएंट होते हैं वो बेस वेरिएंट या अपर वेरिएंट होता है। तो यह हम बात करें होंडा अमेज की और डिज़ायर की, तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट फीचर है हम या हालांकि जो बाकी के वेरिएंट्स हैं सब में लगभग सिमिलर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में, डिज़ायर में और अमेज में, दोनों में सभी वेरिएंट्स में लगभग सिमिलर फीचर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें बेस वेरिएंट की, तो डिज़ायर के बेस वेरिएंट में हमें चारों विंडोज़ जो है वो पावर देखने को नहीं मिलती। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से लोग जो है वो अपर वेरिएंट की तरफ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें होंडा अमेज की, तो होंडा अमेज के बेस वेरिएंट में ही हमें जो है ये पावर विंडोज़ के ऑप्शन जो है मिल जाते हैं, चारों के चारों पावर विंडो हमें देखने को मिल जाती है। और डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर का जो अपर वेरिएंट है उसमें हमें लगभग 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है अगर आपको ये फीचर चाहिए, लेकिन ये फीचर हमें जो है होंडा अमेज में मिल जाता है। तो जिन लोगों को बेस वेरिएंट खरीदना है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, उनको ये बेस वेरिएंट में ही फीचर मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, जिन लोगों को गाड़ी खरीदनी है शॉर्ट टर्म के लिए, जो लोग चाहते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल चला के गाड़ी बेच देंगे, तो यहाँ हम बात करें रीसेल वैल्यू की, तो यहाँ मारुति सुजुकी डिज़ायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं होंडा अमेज से। जो डिज़ायर की रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मारुति सुजुकी की है ये गाड़ी, और मारुति सुजुकी पे ऑलरेडी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट रहता है इंडिया में। इसके अलावा इस गाड़ी की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बोयर्स इस गाड़ी के ज़्यादा है, और जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेंटेनेंस के मामले में बात करें तो मेंटेनेंस में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू होंडा अमेज। और वहीं बात करें स्पेयर पार्ट्स की, तो स्पेयर पार्ट्स भी इस गाड़ी के जो बड़े ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं से भी किसी भी बाहर की शॉप से अगर हम बात करें तो बड़े ही ईजिली इस गाड़ी के ओवरऑल जो मेंटेनेंस, रीसेल और स्पेयर पार्ट्स हमें अच्छा मिलता है इस गाड़ी में। तो ओवरऑल इस मामले में ये गाड़ी जो है होंडा अमेज से आगे निकल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए एक सही चुनाव है, या फिर कौन सी गाड़ी खरीदने में आपको ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ बात करें होंडा अमेज की, तो होंडा अमेज जो है वो आपके लिए एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होंडा अमेज में हमें बेहतर सेफ्टी मिल जाती है, या फिर जिन लोगों को बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी होंडा अमेज जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। तो ओवरऑल एक सही चुनाव जो कहें वो होंडा अमेज आपके लिए रहेगा, क्योंकि मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेफ्टी, जो कि हमें होंडा अमेज में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें ज़्यादा फ़ायदा, तो ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें डिज़ायर खरीदने में है, क्योंकि डिज़ायर में हमें ज़्यादा माइलेज मिल जाती है, बेटर रीसेल मिल जाती है, और ओवरऑल पैसों के मामले में जो डिज़ायर है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद खरीदना होगा। तो जिन लोगों को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि हाईवे के अकॉर्डिंग हाई स्पीड पे, अगर 80 प्लस स्पीड्स पे आपकी जो ट्रिप्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स रहते हैं हाईवे पे, तो आपके लिए जो होंडा अमेज एक बेस्ट ऑप्शन है। और वहीं बात करें जिन लोगों को सिर्फ सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी लेनी है, ऑफिस कम्यूट के लिए, डेली कम्यूट के लिए आपको आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, और आप इतने पैसे वाले हैं कि आपके पास एक हाईवे की अलग गाड़ी है, हाईवे पे चलाने के लिए एक सेफ़ गाड़ी है, तो आप डिज़ायर खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ इन दोनों गाड़ियों में से एक सेफ़ गाड़ी खरीदना एक बेहतर चुनाव है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरऑल डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में, 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपको बताए कि कौन सी गाड़ी को खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर चुनाव है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।